लाइफ और दुबई लाइफ में आज हम आ पहुँचे एक ऐसी जगह जहाँ फूड लवर्स पूरी तरह इंजॉय करेंगे। एक नई जगह खुली है, एक फूड हॉल खुला है मोटर सिटी में, नेबरहुड फूड हॉल करके, ग्रीन कम्युनिटी के पास, जो कि मोटर सिटी और आसपास के सभी एरियाज़ के लोगों के लिए एक ब्लेसिंग होगा। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ है अंदर। तमिल तो अंदर मैंने फूड हॉल के अंदर एंट्री मार ली है और मैं देख रही हूँ कि काफ़ी सारे जॉइंट्स जो हैं वो खुल चुके हैं और कुछ अभी खुलना बाकी हैं। तकरीबन 10 जॉइंट मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं और हर कंट्री के खास जॉइंट्स यहाँ पर हैं। तो चलिए एक एक करके मैं आपको दिखाती हूँ क्या कुछ यहाँ पर खुल चुका है या क्या कुछ खुलने वाला है। तो अभी पहला जो जॉइंट है बेकरी एंड मोर, इट्स नॉट येट ओपन, अभी खुलेगा ये। यहाँ पर आपको सारे बेकरी के आइटम्स मिलेंगे जब ये खुल जाएगा उसके बाद। और यहाँ पर आई कैन सी वन ऑथेंटिक सिलोन कर एक जॉइंट दिख रहा है, जो कि ऑथेंटिक श्रीलंकन फूड आई सपोज यहाँ पर मिलेगा। आई कैन सी जो यहाँ पर जिस तरह से डिज़ाइन किया गया है इस पूरे काउंटर को, उसको देखकर यही लग रहा है कि ऑथेंटिक श्रीलंकन फूड यहाँ पर मिलेगा और विद द नेम ऑल्सो आई कैन गेस। इंडियन जॉइंट जो कि मीट लवर्स के लिए आई थिंक परफेक्ट होगा ये जगह। और देर इज़ वन जैन थाई, जैसे कि नाम से सभी जान सकते हैं थाई फूड होगा यहाँ पर। एंड अगेन अभी मैं आ गई हूँ हाई करके एक रेस्टोरेंट, सीम्स टू बी अ पिज्ज़ा और बर्गर इस तरह का जो है खाना यहाँ पर मिलेगा। देन वी हैव सॉसेजेस, तो सबके लिए सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है मुझे। एक अच्छी डिसेंट जगह है, यू नो, एक सीम्स टू बी अ नाइस डिसेंट प्लेस, सीटिंग भी इनफ है, वेरी कोजी, वेरी कंफर्टेबल और इट्स नियर टू सेंसेशन रेस्टोरेंट जो है मोटर सिटी में उसके पास ही है ये। देन वी हैव मैक्सिकन एक जॉइंट दिख रहा है, टैकोज। सो हाय, हेलो, सो यहाँ पर मैक्सिकन खाना मिलेगा, मैक्सिकन जो लोग पसंद करते हैं वो यहाँ आ सकते हैं। देन वी हैव मारू उदोन, दिस इज ट्रेडिशनल हाई सिंगापोरियन फूड, इट्स ओवर देयर। ओके, दिस वन इज जापानीज एंड देयर इज कोरियन। ओके, सो वी हैव ऑथेंटिक जापानीज खाना मिलेगा यहाँ पर, कोरियन मिलेगा। अगेन ये अभी ओपन नहीं हुआ है कोरियन जॉइंट जो है, सो इट्स गोना ओपन। खास बात जो मुझे इस जगह की लगी, यहाँ पर सारे कंट्रीज़ का जो है जॉइंट है, स्पेशल ट्रेडिशनल खाना उस कंट्री का यहाँ पर आपको मिलेगा। एंड श्रीलंका है, सिंगापुर है, जापान है, आपका कोरियन फूड मिलेगा, इंडियन भी है, बेकरी भी है, पिज़्ज़ा बर्गर एवरीथिंग इज़ देयर। सो इट्स सीम्स टू बी अ कोजी कम्फर्टेबल प्लेस, मैक्सिकन है जहाँ पर आप आराम से बैठ कर, यू नो, यू कैन कम विद द फैमिली। इट्स नियर मोटर सिटी, ग्रीन कम्युनिटी के बिल्कुल नज़दीक है ये। तो आसपास के जितने इलाके हैं, रैंचेज हो गया, अरेबियन रैंचेज हो गया या JVC हो गया, उन सब के लिए भी एक परफेक्ट जगह होगी, यू नो, आने के लिए कुछ यू वांट टू ग्रैब समथिंग क्विकली, वो सब आप यहाँ पर कर सकते हैं। इट्स अ वेरी कम्फर्टेबल फूड कोर्ट सॉर्ट ऑफ अ प्लेस। और जब सारे जॉइंट्स यहाँ पर खुल जाएंगे इस फूड हॉल में, तब देखने लायक होगा। अभी आई थिंक लॉट ऑफ पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट दिस प्लेस, बट जैसे जैसे यू नो पीपल विल बिकम अवेयर ऑफ दिस प्लेस और जैसे लोगों तक ये न्यूज़ पहुँचेगी कि यहाँ नेबरहुड फूड हॉल आ चुका है मोटर सिटी के अंदर, सो पीपल विल स्टार्ट कमिंग इन ओवर हियर। द ओनली थिंग विच यू नो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर जो नई एक चीज़ दिख रही है वो है प्योर वेज लवर्स के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ मिसिंग है। सो आई एम श्योर बाद में इन कमिंग डेज और आफ्टर सम टाइम समथिंग इज़ गोना कम फॉर द प्योर वेज लवर्स, क्योंकि कई लोग जो है प्योर वेजिटेरियन होते हैं, दो दे हैव नॉन वेज एंड वेजिटेरियन मेन्यू बोथ सारे जॉइंट्स में मिलेंगे, बट स्टिल कुछ लोग होते हैं जो कि बिल्कुल वेजिटेरियन होते हैं
और वेजिटेरियन जॉइंट से ही खाना पसंद करते हैं, तो वो एक चीज़ मुझे थोड़ी सी यहाँ पर मिसिंग दिख रही है। आई एम श्योर आने वाले टाइम में वो भी जो है वो चीज़ अगर हो जाएगी तो दिस प्लेस विल बी यू नो हेवन फूड लवर्स के लिए, एकदम जैसे जन्नत हो जाएगी ये जगह। बट इट्स अ ग्रेट चेंज क्योंकि मोटर सिटी इज़ स्टिल डेवलपिंग एज अ प्लेस, एज अ एरिया, एज अ लोकेशन, और यहाँ पर जो रेस्टोरेंट्स हैं, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बट इस तरह का कॉन्सेप्ट जो है पहली बार देखने को यहाँ पर मिल रहा है, तो वो एक अपने आप में एक एक्साइटमेंट, एक अलग सी चीज़ होगी जहाँ पर लोग आना पसंद करेंगे, बैठना पसंद करेंगे। सो इट्स गोना बी कंप्लीट कह सकते हैं कि ये यंगस्टर्स के लिए या फिर कॉलेज गोअर्स के लिए भी एक अच्छा स्पॉट होगा, दैट दे कैन कम ओवर हियर एंड सिट एंड ईट देयर फेवरेट फूड। सो अभी मैं आई एम जस्ट थिंकिंग ऑफ गोइंग टू वन ऑफ द जॉइंट्स एंड ट्राइंग समथिंग, कम। सो आई डिसाइडेड आई विल ट्राई फ्रॉम दिस जैपनीज जॉइंट, आई विल ट्राई वन आइसक्रीम, और वो मैं ट्राई करने वाली हूँ और फिर अपने व्यूअर्स को बताऊँगी हाउ इज़ इट, कैसी है जैपनीज आइसक्रीम। ice cream, vanilla ice cream, and there is this fried noodle which they have put it as a topping on this ice cream. Abhi try karti hu aur apne viewers ko abhi batati hu kaisi hai ye. Bahut achhi hai, very very tasty. Jo aam taur pe hum vanilla ice cream khate hain usse thodi si different hai. बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। So right now with me here's the owner of this or the creator of this food hall, Nikki. That's correct. So I'll speak to him and I'll ask him to tell our viewers more about this place. So hi Nikki, I want you to tell our viewers what is all about food hall. So basically we want to create a treasure of a collection of treasure, you know, that's Dubai, homegrown, owner driven outlets. So what happens is, over COVID, things have become very difficult for restaurants in general. So you actually want to consolidate and bring in the best of brands in Dubai all under one roof. So this sort of becomes like the dining destination for everyone, but more affordable dining destination as opposed to a more high-end kind of place. We want people to sort of become like, you know, like a neighborhood regular place where people come down on a regular basis, families, friends. You know, you don't know what to eat, you have a big group. Where do you go? Neighborhood food, all of the places to come to. So we're going to create just, you know, like the ultimate dining destination in Dubai. Okay. And this is what we'll be able to do over here. All right. Thank you so much. Thank you so much. Real pleasure having you. Thank you. Thank you. So, ये हमारी क्रिएटर से बात हुई थी फूड हॉल के, एंड ही वॉज टॉकिंग अबाउट दिस फूड हॉल कॉन्सेप्ट कि ये कहाँ से आया, कैसे आया, और ही वॉज सेइंग कि कोविड के बाद में यू नो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो गई थी लाइफ, लोग जो है खाने यू नो एवरीबडी लव्स फूड, और फूड ऑर्डर करना आना उसमें टाइम लगता था, तो ये नेबरहुड फूड हॉल का कॉन्सेप्ट वहीं से आया है, और इट्स वेरी यू नो अफोर्डेबल, अफोर्डेबल प्राइसिंग है इसकी, तो आप आसानी से यहाँ बैठकर फैमिली के साथ कभी भी आप आ सकते हैं, खा सकते हैं, एंड दे हैव जस्ट ओपन 3 days बैक। आई एम श्योर सारे फूड लवर्स के लिए जो है एक न्यूज़ है, ये एक बड़ी न्यूज़ है, बड़ी खबर है, तो प्लीज़ अगर आप भी फूड लवर हैं और अच्छे खाने की हमेशा तलाश में रहते हैं तो आइए प्लीज़ इस जगह पर। नॉन वेज और वेजिटेरियन ऑप्शंस दोनों ही हैं मेन्यू में, आपको दोनों ऑप्शंस मिलेंगे, सो यू कैन इन्जॉय विद फैमिली ओवर हियर। और इसकी लोकेशन की अगर बात करें तो काफ़ी पास में है, ग्रीन कम्युनिटी के पास में ही है ये मोटर सिटी में, और जितने भी एरियाज़ हैं, जितने लोकेशन हैं, रैंचेस हो गया या फिर JVC हो गया, उनके लिए ये लोकेशन जो है काफ़ी ठीक है, पास में ही है, एंड सेंसेशन इज़ अ फेमस रेस्टोरेंट ओवर हियर,
तो उसी के पास में ये फूड हॉल खुला है। जैसे कि पहले भी मैंने बताया, अच्छी बात यह है कि डिफरेंट टेस्ट एक ही जगह पर आपको मिल जाएंगे, तो दैट्स अ बिग थिंग अबाउट दिस प्लेस। तो आज के एपिसोड में फ्रेंड्स इतना ही, अगले एपिसोड में फिर से आपको लेकर चलूंगी एक और एक्साइटिंग जगह पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय दिस नेबरहुड फूड हॉल।